हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 7 का। देखो, इसमें पिछले क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स 150 न्यूटन की रिक्वायरमेंट थी, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था, अब उसको अपने को बैंकिंग ऑफ रोड से करना है प्रोवाइड, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसके द्वारा अपने को 150 न्यूटन, सॉरी 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देन व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? तो यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के द्वारा जो है चाहिए फोर्स, फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मान लेते हैं ये अपनी रोड है, ठीक है, ये अपनी ऐसी सर्कुलर रोड है, ये रोड का क्रॉस सेक्शन बनाया हूँ मैं, ये एंगल थीटा है मान लेते हैं, बैंकिंग एंगल थीटा है, ये अपनी बाइक है, ठीक है। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा, ठीक है। अब मैं बाइक के फ्रेम में अगर बैठ जाऊँ तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकता हूँ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। सर्कल कैसा है इसका? ऐसा है, ठीक है। तो ये जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ कहीं पर सेंटर होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो भाई, एम की पिछले बार कितना दिया था? 150 दिया था। वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस कितना था? 30 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150, 150 इंटू 100 अपॉन 30, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, और ये 500 आ गया, ठीक है ना। 500 न्यूटन की ज़रूरत है अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की या फ्रिक्शन की, बात तो एक ही है ना भाई यहाँ पर। क्योंकि मैं इस बार इस क्वेश्चन में क्या किया हूँ कि इस बाइक के फ्रेम में बैठ गया हूँ, अगर मैं नहीं बाइक के फ्रेम में बैठूंगा तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी कैलकुलेशन को मिटा सकता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसके एफबीडी में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बनाऊंगा और एमजी बनाऊंगा। चलो नहीं करते इसको, अपन इसको ग्राउंड फ्रेम में ही करते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को 30 मीटर पर सेकेंड से घूमना है सर्कल में, और जो मेरा मास है वो 150 केजी है, ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 30 मीटर है एज़ पर द प्रीवियस प्रॉब्लम। और इस बार मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जो कि मेरे को इस नॉर्मल रिएक्शन से प्रोवाइड करवाना है। तो सोचो, इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये हो गया एन कॉस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा, ठीक है। अब एन को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक अगर कर चुका हूँ तो मैं मेन एन को मिटा सकता हूँ, मेन जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन को, क्योंकि मैं कंपोनेंट को ब्रेक कर चुका हूँ, है ना। तो सोचो, अब और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा इसमें, है ना, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एमजी लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ रहा है सेंटर की तरफ, तो यही सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा, और यही इसी चीज़ की वैल्यू अपने को क्या चाहिए? 500 चाहिए। तो एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? 500। मत करो कैलकुलेशन, क्योंकि वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ वही है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है वो 500 ही आएगा, ठीक है ना, एज पर द प्रीवियस प्रॉब्लम। और एन कॉस थीटा क्या करेगा? एन कॉस थीटा इस एम जी को बैलेंस करेगा। मास की वैल्यू कितनी थी? 150 थी, तो 1500 न्यूटन चाहिए अपने को एन कॉस थीटा। कर दो भाई डिवाइड, कॉस थीटा एन एन गायब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा बन जाएगा, ये 500 बाय 1500 कितना बन गया? 1/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? टेन इनवर्स 1/3। यानी कि अगर आप बैंकिंग एंगल टेन इनवर्स 1/3 प्रोवाइड करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है, एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वो 500 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, जो कि गाड़ी को टर्न करने में जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना, जो कि गाड़ी को टर्न करवाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।